फ्रेंड्स, आज मैं आपको श्रीमतीज़ किचन में मूंग की दाल का हलवा बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हमें एक सूखी, मैंने इतनी कटोरी में भर के मूंग की दाल ली थी, फिर इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो ये इसकी क्वांटिटी इतनी हो गई है। लेकिन इस एक कटोरी के नाप से ही लेना है। अब जो भी नाप लेना है आगे जब सामान पड़ेगा वो इसी कटोरी के नाप से पड़ेगा, तो इसलिए आप जो भी दाल लेंगे, जिस कटोरी में लेंगे, जिस मेजरमेंट से लेंगे उसी से लेना है आपको। तो अभी हम इसको मिक्सी में डाल के जरा पीस लेंगे। ये देखिए पेस्ट, हमने इसको बिल्कुल बिना पानी के कोशिश की है, इसलिए इसको रुक रुक के चलाना पड़ा है मिक्सी को, क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना। जितना कम पानी होगा ये उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से बनेगी। ये देखिए बिल्कुल, मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें दरदरापन है अभी, तो वो रखना है हलवे के लिए। अब हमने अपनी कढ़ाई पैन, जिसमें भी आपको बनाना है, उसमें एक कलछी पूरा भर के घी डालिए। असली घी डालना चाहिए इसमें, कि हलवे का मज़ा तो है वो घी से ही आता है, और अच्छा खासा इसमें घी पड़ता है तभी स्वाद आएगा। अगर जैसे शादी ब्याह में और हलवाई जो बनाते हैं तो वो अच्छा घी पड़ता है तभी, अच्छे घी पड़ता है तभी इसमें स्वाद आता है। तो अभी हमारा जब ये थोड़ा सा घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम एक चम्मच सूजी इसमें डाल रहे हैं। इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्के आंच पे ही भुनना है, और इसी में चम्मच बेसन डाल दिया। ये हल्की आंच पे ही भुनेगा। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा हो गया है, लाल लाल हो गया, तो इसमें हम ये जो हमने दाल पीसी थी अभी हम थोड़ी सारी सी दाल इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल आहिस्ता धीमी आंच पे ही भुनेगा, इसको भुनने में कम से कम 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। ये बिल्कुल लाल होगा तब हमारे पूरा होगा, अभी भुनेगा। इसको आहिस्ता पे करते रहना और इसको ऐसे चलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। ये जब तक भून रहा है तब तक हम अपना, ये देखिए 2 कप मैंने दूध ले रही हूँ। इसको हम गर्म करने रख देंगे थोड़ा सा। देखिए मैं पिंच भर अपना केसर इसमें दूध में डाल रही हूँ ताकि इसमें रंग भी दे देगा ये, और अपना इसमें इसमें डालेंगे तो कलर को बहुत अच्छा आ जाएगा इसमें। देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा भुनने पर आ गया है। अब इसमें हम आधी कलछी, अभी थोड़ा सा आधी कलछी और घी डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा ही डाला है। अब ये हलवा हमारा भुनने लगा है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी, और ये देखिए ज़रा छोड़ दिया, इसने घी छोड़ने लग गया है और हल्का भी हो गया है। अब इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा निकाल के रखा था, काजू, पिस्ता, बादाम, थोड़ा थोड़ा उनको मैंने काट लिया था, तो इसको ऐसे भुनने में डाल देंगे थोड़ा सा। आपकी इच्छा, अपने हिसाब से जितना डालना चाहे नहीं डालना चाहे आप कर सकते हैं, और उसमें मैं थोड़ी सी इलायची और डालूँगी। मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है, ये सब ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप डालिए या नहीं डालिए। लेकिन देखिए थोड़ा सा हलवा लाल हो गया है। अभी जो मैंने दूध करके रखा था इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा।
ध्यान से डालना पड़ेगा नहीं तो छिल जाएंगे। केसर ने कितना अच्छा कलर दिया है। अभी हम इसको थोड़ा तेज से चलाते रहेंगे और हल्की सी गैस भी तेज कर लेंगे ताकि ये जल्दी सूख जाएगा ये काफी। अब ये छींटे मारेगा तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कि हमारे ऊपर ही खुद के ना लग जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना है इसमें। दूध सारा सूख गया है। अब मैं इसमें एक कटोरी चीनी, जिस कटोरी से नाप लिया था दाल का उसी कटोरी से एक कटोरी चीनी इसमें डाल दूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसमें आखिर में घी एक चम्मच और भर के, एक चम्मच भर के डाल दीजिए, इससे घी से इसका टेस्ट आता है काफ़ी अच्छा। गर्मा गर्म मूंग की दाल का हलवा हमारा तैयार है बिल्कुल। ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बहुत टेस्टी से बना है। यमी यमी हलवा तैयार हो गया है। आप इसको गरम गरम सर्व कीजिए। और अभी इसको हम अलग निकाल के इसको थोड़ा सा और सजा देंगे, जो हमने काजू बादाम थोड़ा से रखे थे इससे और सुंदर, ताकि देखने में और अच्छा लगेगा। मेरा तो टेस्टी टेस्टी हलवा तैयार हो गया है मूंग की दाल का। अब आप ट्राई कीजिए और बना के बताइए मुझे भी कि आपको कैसा लगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरा बनाया हुआ पसंद आ रहा हो तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।